नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को कल पोल के माध्यम से पूछा था कि आपका क्या आपको युवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप सभी का बहुत प्यार मुझे मिला और इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि युवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं युवा पोर्टल से, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाने वाली है। संपूर्ण वीडियो देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बगैर स्किप करे हो, ताकि आपको वीडियो का के माध्यम से दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लैपटॉप पीसी में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है युवा पोर्टल। युवा पोर्टल लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी वो यहाँ युवा पोर्टल है। युवा पोर्टल का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचाने के लिए सशक्त बनाना। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर वीडियो में दी गई जानकारी बिल्कुल सही रहेगी, सटीक रहेगी और स्पष्ट रहेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले इसमें आपको जो जो आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तो पहला बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, युवा नीति, इसे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। रीड नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की भी यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं का वन टाइम परीक्षा शुल्क के लिए भी यहाँ पर इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और यहाँ पर आपको युवा इंटर्नशिप, जो जल्द ही आपके नए युवा इंटर्नशिप जुड़ने वाले हैं 4695 बैच 2, वो जल्दी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी आपको योजनाओं की जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप योजना की श्रेणी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपको रोजगार वाले चाहिए, यहाँ पर आपको विभाग चुनना तो चुन सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर डायरेक्ट खोजे पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जो भी रोजगार से संबंधित भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर पदों की भर्ती आयुष्मान हेल्थ सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम आयुष्मान भारत में देखते हैं रोजगार नियोजन पर, हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये देखिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान मित्र की भर्ती हुई है, 478 जिला समन्वय की भर्ती हुई है, 52 टेली क्लर्स की भर्ती हुई है, 26 जो कि कार्यरत यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सभी जानकारी देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप मेन पेज आपका ओपन होगा, यहाँ पर आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा होगा पंजीयन और लॉगिन का, दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अभी पंजीयन करना है। अगर आपका पहले से पंजीयन है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पंजीयन वाले पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पंजीयन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार एक इंटरफेस शो होने लगेगा। युवा पंजीयन मध्य प्रदेश पर आपको सिलेक्ट रहने देना कि आपके पास समग्र आईडी है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी एंटर करना है और देखे पर क्लिक कर देना है। समग्र आईडी डालकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम शो हो रहा होगा, मध्य नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, आपकी लिंग की स्थिति सिलेक्ट कर लेने हैं, श्रेणी का चयन कर लेना है, तो यहाँ पर हम अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जन्म तारीख सिलेक्ट कर लेना, आप दिव्यांग हैं हाय तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना, नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य सिलेक्ट किया हुआ है, अपना जिले का चयन कर लेना है, तो यहाँ पर हम अपना जिले का चयन कर लेते हैं। जिले का चयन करने के बाद आपको अपना पता डाल देना है, तो यहाँ पर आपको पता डाल देना है किसानी मोहल्ला, तो हम यहाँ पर अपना पता भी डाल देते हैं, पिन कोड डला आ गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त होगा उसे इंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना है। सभी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना और पंजीयन करे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पंजीयन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ आपको बाहर फेंक देगा और यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर आपके OTP के माध्यम से आपको ID पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे,
जो कि आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद जो आईडी पासवर्ड मिलेगा उसे यहाँ पर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें कोई आगे अपडेट आता है इसको आपको जरूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में आपको एक बार जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नेक्स्ट वीक से कभी भी चालू हो सकती है। 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में कभी भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कभी भी चालू हो सकती है, 1 तारीख को भी हो सकती है, 4 तारीख को भी चालू हो सकती है। जैसे ही चालू होती है इसमें आपको हम जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।